थैंक्स यार, आज बनाने वाले डबल बैरल मैचबॉक्स गन। तो चलिए देख लेते इसको कैसे बनाते हैं। चलो तो सबसे पहले एक A4 पेपर को बीच से फोल्ड कर लेना है एंड फोल्ड करके इसको बीच से काट लेना है, देखो कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो इसको बीच से काट लेने के बाद हमको दो पेपर का टुकड़ा मिल जाएगा, तो एक को हमको साइड पर रख देना है। उसके बाद लेना है एक पेन एंड पेन की मदद से इस पेपर को कुछ इस तरह से धीरे धीरे रोल कर देना है, देखो कुछ ऐसे, ठीक है। एंड रोल के अंदर से पेन को निकल के एंड पे ग्लू से चिपका देना है, देखो कुछ ऐसे। तो ऐसे ही सेम तरीके से आपको और एक पेपर का पाइप बना लेना है। उसके बाद लेना है खाली मैचबॉक्स, मैचबॉक्स का जो ट्रे है उसको निकल के बाहर फेंक देना है एंड मैचबॉक्स के अंदर का साइड पे ग्लू लगा के पाइप को हमको कुछ इस तरह से चिपका देना है, देखो कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही सेम तरीके से दूसरे साइड पे भी ग्लू लगा कर पाइप को चिपका देना है, देखो कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये तो बन गया, इसको आप साइड पर रख देना है। उसके बाद लेना है और एक मैचबॉक्स एंड मैचबॉक्स का ट्रे को निकल के साइड पर रख देना है। बॉक्स का किनारा पर ग्लू लगा के मैचबॉक्स के नीचे कुछ इस जगह पर चिपका देना है, देखो कुछ ऐसे, ठीक है। तो चलो फू मार के सुखा लेते हैं। देखो यार सूख गया है। अब मैचबॉक्स का जो ट्रे है उसको हम अंदर डाल देंगे। तो देखो ऐसे करके पकड़ते ही गन गन फील हो रहा है, तो इसको आप साइड पर रख देते हैं। उसके बाद लेना है फिर से एक A4 पेपर। आपके पास कलर पेपर नहीं तो आप व्हाइट पेपर भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको भी पहले जैसा बीच से फोल्ड करके हमको काट लेना है आधा आधा करके, और एक को लेकर एक पेन का रिफिल के मदद से एकदम पतला करके हमको रोल कर लेना है, देखो कुछ ऐसे, ठीक है। एंड रिफिल को बाहर निकल के एंड पे ग्लू से चिपका देना है और हमारा एक पाइप बन जाएगा। तो ऐसे ही हमको और एक बना लेना है, और एक छोटा साइज का, देखो तीनों। तो इनमें से छोटा वाला पाइप को लेकर इस बंदूक के पीछे रख के इस होल को मार्क करके इस होल के जगह पर ही हमको ग्लू लगा देना है। लगाकर ये जो दोनों लंबा लंबा पाइप है इसको कुछ इस तरह से चिपका देना है। तो यहाँ पर आप फेविकॉल नहीं लगाकर फेविक्विक भी लगा सकते हो, जिससे यार बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएगा। ये सूख जाने के बाद बंदूक के पीछे से अंदर डाल देना है। उसके बाद लेना एक रबर बैंड, रबर बैंड को मैचबॉक्स के ऊपर रखकर सुपर ग्लू के मदद से चिपका देना है। एंड ये सूख जाने के बाद रबर बैंड को टान के इस जगह पर चिपका देना है। उसके बाद छोटा एक पेपर का टुकड़ा लेकर रिफिल के मदद से पतला करके रोल कर लेना है, देखो कुछ ऐसे करके, ठीक है। एंड एंड पे ग्लू से चिपका देना है। तो ऐसे ही हमको और एक बना लेना है। तो ये हमारा बन जाएगा डबल बैरल गन का बुलेट। उसके बाद एक छोटा सा पेपर का रोल करके ग्लू लगा के मैचबॉक्स के एकदम नीचे लगा देना है, देखो कुछ इस जगह पर, ठीक है। तो देखो गन का ट्रिगर को थोड़ा मजबूती देने के लिए यहाँ पर हमने धागा से बांध दिया है। तो देखो हमने बुलेट को रखने का जगह भी बना लिया है। तो इस नीचे का ट्रे को टान के अंदर हम डाल देंगे। तो फाइनली आपका गन बनकर रेडी है। तो चलो आप इसको लोड कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो बुलेट को लोड करने के लिए पीछे का ट्रिगर को टान के दो बुलेट को इस पाइप के अंदर डाल देना है एंड डाल के पीछे का ट्रिगर को कुछ इस तरह से टान के छोड़ देना है, तो ये फायर हो जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, 10K जल्दी से करना है।